हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो X90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है कॉल एंडेड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है ना कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो कॉलिंग का ऐप होता है, इस कॉलिंग के ऐप को आपको रीसेट कर देना है, ठीक है। तो कॉलिंग के ऐप को रीसेट करने के लिए आपको इस ऐप को उंगली से दबा के रखना है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा उसे टैप करना है, ठीक है। तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले से क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा। आपको इसमें डिलीट पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ना इस कॉलिंग ऐप को रीसेट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन में जो है ना कॉल एंडेड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको जो है ना ये तीन सेटिंग मिलती है, तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक कर देना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। तो आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, तो आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपके मोबाइल फोन में जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको है ना अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन दिया हुआ है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिल जाएगा, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आप फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं लगता है, और सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे अपडेटेड है या नहीं, आप कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सबसे पहले इंटरनेट चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर में ये ऑप्शन मिलता है, ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है जिससे कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है, ये APN का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है, तो एक पेज आएगा छोटा सा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, ठीक है। इस तरीके से आप जो APN सेटिंग को रीसेट कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बता दिए सारे यूज़ करिए, तो आपके फ़ोन में जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।